हे आज हम बनाएंगे एक लेकसाइड एनवायरनमेंट बिल्कुल इजी वे में और सिंपल ट्रिक्स के साथ। ये रियलिस्टिक एनवायरनमेंट तुम बना सकते हो। और हाँ, तुम इस प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन करके समझ सकते हो। इस प्रोजेक्ट फाइल को डाउनलोड करने के लिए तुम्हें मेरे गमरोड पेज पे विजिट करना पड़ेगा। वहां तुम्हें मेरे सारे प्रोजेक्ट फाइल्स मिल जाएंगे जो मैं अपने प्रैक्टिस के लिए बनाता हूं। सो डोंट मिस इट। अब सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं कि इस प्रोजेक्ट में मैंने कैसे क्या यूज किया है। मैंने एक ग्राउंड या टेरेन बनाया और उसको टेक्सचर किया। उसके बाद सेम मेथड से वाटर, हाउस, ब्रिज और सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए और उनको सेट किया ताकि तुम्हें इजीली समझ आ जाए। फर्स्ट पार्ट, मॉडलिंग टेरेन और ग्राउंड। ब्लेंडर इंटरफेस ओपन करो, क्यूब डिलीट करो और एक प्लेन ऐड करो शिफ्ट प्लस ए प्रेस करके। एंड ये टेरेन या ग्राउंड बनाने का सिंपल तरीका है। एक्यूरेट ग्राउंड या टेरेन बनाने के लिए मैं ब्लेंडर किट का यूज करता हूँ। ब्लेंडर किट एक फ्री एसेट एडऑन है जो तुम डाउनलोड करके फ्री यूज कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ब्लेंडर किट से एक बॉडी ऐड करो एंड फिर प्लेन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में स्केल करो। देन प्लेन को सिलेक्ट करो एंड राइट क्लिक करके 60 टाइम्स सब डिवाइड करो। स्क्रीन पे तुम कीज देख सकते हो। सब डिवाइड करने के बाद प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन करो और ग्राउंड को जी प्रेस करके माउस से शेप दो। मैं एक थोड़ा ऊंचा टेरेन बनाने वाला हूं तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। बेसिक ग्राउंड रेडी है लेकिन रियलिस्टिक टच देने के लिए मॉडिफायर्स का यूज करेंगे। सब डिविजन और डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर ऐड करो। देन टेक्सचर प्रॉपर्टीज में जाके न्यू पे क्लिक करो और क्लाउड टेक्सचर सिलेक्ट करो। फिर मॉडिफायर सेटिंग्स को एडजस्ट करनी है और स्ट्रेंथ कम करो एंड हमारा फैंटास्टिक ग्राउंड रेडी है। तो अब हम बनाएंगे हाउस, ब्रिज एंड वाटर। एक प्लेन ऐड करो और ग्राउंड के साथ अलाइन करो। Then ब्रिज। मेन ब्रिज को स्क्रैच से बनाता हूं लेकिन तुम फ्री मॉडल डाउनलोड कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हाउस के लिए एक डिटेल्ड वीडियो लाने वाला हूं। अभी के लिए एनवायरनमेंट पे फोकस करते हैं, इसीलिए तुम हाउस का भी मॉडल डाउनलोड कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो नेक्स्ट इज लाइटिंग एंड कैमरा टू कैमरा सेटअप।
करने के लिए शिफ्ट प्लस ए प्रेस करके कैमरा ऐड करो। कैमरा को अपने व्यू पॉइंट के हिसाब से एडजस्ट करो। कैमरा प्रॉपर्टीज में जाके फोकल लेंथ सेट करो। मैं एक सिनेमैटिक लेंस एडोन यूज कर रहा हूं, लेकिन तुम स्टैंडर्ड कैमरा भी यूज कर सकते हो। टोमिया ने अपने कैमरा सेट कर लिया। नेक्स्ट इज लाइटिंग। सो तुम वर्ल्ड प्रॉपर्टीज में जाके स्काई टेक्सचर ऐड करना है। देन स्काई टेक्सचर का ब्राइटनेस काम करने के लिए रेंडर प्रॉपर्टीज में कलर मैनेजमेंट होगा, उसमें एक्सपोजर एडजस्ट करो। देन वर्ल्ड प्रॉपर्टीज में स्काई टेक्सचर के सेटिंग्स को ट्विक करो ताकि एक बेस्ट लुक आए। देन थर्ड इज टेक्सचरिंग। एसओ हम फर्स्ट ग्राउंड टेक्सचरिंग करेंगे। सो तुम्हें शेडर मोड ओपन करना है। और ब्लेंडर किट से ग्राउंड टेक्सचर सर्च करो। देन टेक्सचर अप्लाई करो। लेकिन अगर बेकार लग रहा हो तो एडिट मोड में जाके यू प्रेस करके क्यूब प्रोजेक्शन करो। अब टेक्सचर बराबर लगेगा। थोड़ी डिटेल टेक्सचरिंग करते हैं। सो एग्जांपल ब्रिज के लिए वुड टेक्सचर ऐड करो। अगर एक मॉडल पे दो टेक्सचर्स चाहिए तो एडिट मोड में जाके स्पेसिफिक फेस सिलेक्ट करो और टेक्सचर प्रॉपर्टीज में नया टेक्सचर क्रिएट करके असाइन करो। ऐसे तुम मल्टीपल टेक्सचर एक ऑब्जेक्ट में डाल सकते हो। सो सब कुछ रेडी होने बाद नेक्स्ट है ग्रास एंड वेजिटेशन। सो ग्रास एंड वेजिटेशन में तुमको सिंपली GS स्कैटर डाउनलोड करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ग्रास को ग्राउंड पे ड्रैग करो। एंड हाँ, मैंने ये लाइब्रेरी डाउनलोड किया है, सो तुम भी कर लेना। एंड देन GS स्कैटर में ड्रॉप ऑप्शन यूज करके ग्रास ऐड करो। देन अगर तुम्हें प्योर ग्राउंड पे ग्रास नहीं चाहिए तो वेट पेंट मोड यूज करके स्पेसिफिक एरियाज को पेंट करो। मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि वेट पेंट कैसे करते हैं। नेक्स्ट है फॉग। तो अगर तुम्हें फॉग ऐड करनी है तो सिंपली क्यूब ऐड करो और उस एरिया को कवर करो जहां फॉग चाहिए। देन शेडर एडिटर में प्रिंसिपल BSDF डिलीट करके प्रिंसिपल वॉल्यूम नोड ऐड करो और कनेक्ट करो वॉल्यूम नोड से। देन डेंसिटी 0.02 सेट करो। और क्यूब को एडजस्ट करो लास्ट में। देन हम कुछ फाइनल टचेस देंगे, जैसे एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स ब्लेंडर किट से ऐड करो। बैकग्राउंड के लिए एक क्लाउड्स की इमेज यूज करो। ये सिंपल है। शिफ्ट प्लस ए एंड ऐड मेश प्लेन एंड सेट करो बैकग्राउंड में।
ग्रास और ट्रीज को एनिमेट करने के लिए विंड इफेक्ट ऐड करो। ट्री कलेक्शन को सिलेक्ट करके रोटेशन में विंड लेयर ऐड करो और सेटिंग्स एडजस्ट करो। ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। देन थोड़ा सिंपल कैमरा मूवमेंट के साथ एनिमेशन रेडी करना है, बस एनवायरमेंट रेडी है। सो एंजॉय द फाइनल रिजल्ट। तो अगर ये वीडियो तुम्हें इन्फॉर्मेटिव या अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। एंड ऐट से ये फाइल तुम मेरे गुमरोड पेज पे जाके डाउनलोड करनी है तो मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।